हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जी डी सी ट्रेलर के मेडिसिन सीरीज में। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही पॉपुलर मेडिसिन हिमालया सेप्टिलिन सिरप के बारे में। जी हाँ, हिमालया का सेप्टिलिन सिरप एक कम्प्लीटली हर्बल और आयुर्वेदिक सिरप मानी जाती है, जो कि आपके शरीर में इम्यूनिटी को बढ़ाती है, जो बैक्टीरिया और फंगल के द्वारा इन्फेक्शन होते हैं उसको ठीक करती है, जो एलर्जिक कंडीशन होती है, एलर्जी के जो अलग अलग कंडीशन होते हैं उसको ठीक करेगा, साथ ही साथ बच्चों या बड़ों में जो सर्दी खांसी होना, जुकाम होना, बुखार हो जाना बार बार, इन सारी समस्याओं को दूर करेगा, शरीर के ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन करेगा, इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा। मतलब इस सेप्टिलिन सिरप के बहुत ढेर सारे फायदे देखने को मिलते हैं। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे सेप्टिलिन सिरप के अंदर मेन साल्ट, मेन कंपोजिशन, मेन एपीआई क्या क्या मिला होगा, इसका उपयोग कहां कहां देखने को मिलता है, इसके काम करने का तरीका यानी कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, इसके इस्तेमाल करने का सही तरीका, इसका डोज, इसका प्रिकॉशन, इसका साइड इफेक्ट, मतलब इस सिरप की हम आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। पूरे वीडियो में बने रहिएगा ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना होने पाए। जी हाँ, हिमालया का सेप्टिलिन सिरप बहुत ही अच्छी मेडिसिन होती है, इम्यूनिटी बढ़ाती है, जिसके अंदर मेन साल्ट, मेन एपीआई, मेन कंटेंट, जी हाँ, यहाँ पे तीन चीज मेनली मिले होते हैं। सबसे पहले है गुग्गुल मिला होगा, यस्ती मधु यानी लिकोराइज बोलते हैं वो मिला होगा, और गुडुची, इन तीनों हर्बल कंटेंट के द्वारा ये सेप्टिलिन सिरप बनाई जाती है। हिमालया ड्रग कंपनी इसके मैन्युफैक्चरर हैं, रूम टेम्परेचर पे इसे स्टोर कर सकते हैं, और 200 ml के सिरप के बॉटल की कीमत लगभग 150 से 160 के आसपास एमआरपी आती है। डियर, बात करेंगे इसके उपयोग की। जी हाँ, मेनली एक तरह से ये हेल्थ सप्लीमेंट है। जी हाँ, हर्बल मेडिसिन के द्वारा बनाया जाता है, हेल्थ सप्लीमेंट की तरह इसे आप ले सकते हो और आपके ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए बनाई गई है। साथ ही साथ इसके अंदर क्या है, इम्यूनो मॉड्यूलेटरी यानी इम्यून सिस्टम को मॉड्यूलेट करता है, इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाता है, साथ ही साथ एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होती है और एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है, यानी कि बॉडी में जब आपके ऑक्सीडेशन से कोई डैमेज हो रहा है, सेल्स वगैरह, उसको रोकेगी, इम्यून सिस्टम बढ़ाएगी, आपके माइक्रोब के द्वारा जो इन्फेक्शन हो रहा है बॉडी में उसको ठीक करेगी, साथ ही साथ इन्फ्लामेशन हो गया बॉडी के अंदर तब भी ये सिरप बहुत ही अच्छा असर दिखाता है। बात करेंगे, ये हमारा बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म, जी हाँ, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, बॉडी के इम्यून सिस्टम यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगी, जिससे वेरियस जो इन्फेक्शन होते हैं, वेरियस जो डिजीजेज होती हैं उससे लड़ने के लिए ये सिरप बहुत ही बेनिफिशियल माना जाता है। बात करेंगे इसके काम करने का तरीका यानी कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। देखिए, इसमें जो तीन कंटेंट मिले हैं, तीनों का अलग अलग रोल होता है। सबसे पहले बात करेंगे गुग्गुल की, तो गुग्गुल के अंदर क्या होता है, एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है, एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, जो कि बॉडी में इंफ्लामेशन को रिड्यूस करता है, साथ ही साथ बॉडी में क्या करता है, हेल्थ को, ओवरऑल हेल्थ को बूस्टअप करेगा। बात करेंगे हम यस्ती मधु की, तो यस्ती मधु क्या करेगा, व्हाइट ब्लड सेल, जी हाँ, व्हाइट ब्लड सेल जब हमारे बॉडी में इंक्रीज होता है तो बॉडी में डिफेंस मैकेनिज्म लड़ने की क्षमता बढ़ती है, साथ ही साथ एंटीवायरल एक्टिविटी होती है, एक्सपोक्टोरेंट एक्टिविटी होती है, जिससे क्या होता है, अस्थमा की कंडीशन में आपको जब कफ वगैरह होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा बलगम हुआ, कफ हुआ, वो निकल जाता है, साथ ही साथ क्रोनिक या एक्यूट ब्रोंकाइटिस, आपके फेफड़े में, रेस्पिरेटरी ट्रैक में, ब्रोंकाई में जब इन्फेक्शन हो जाता है तब भी ये यस्ती मधु बहुत ही बेनिफिशियल माना जाता है। बात करेंगे गुडुची की, तो गुडुची के अंदर एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होती है, जो कि क्या करता है, बॉडी को इन्फेक्शन से, बैक्टीरिया के द्वारा, माइक्रोऑर्गेनिज्म के द्वारा जो इन्फेक्शन होता है उससे लड़ने के लिए हमारा गुडुची बहुत ही बेनिफिशियल मानी जाती है। तो इस प्रकार से गुग्गुल, यस्ती मधु और गुडुची अपना अपना रोल प्ले करते हैं। डियर, बात करेंगे इसके डोजेस की, तो मेनली इस सिरप को आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके लेंगे तो ज्यादा ही सही रहेगा, वैसे 1 से 2 चम्मच आप ले सकते हो। बात करेंगे इससे जुड़े कुछ प्रिकॉशन की, तो इस सिरप को आप बको बच्चे के बहुत से दूर रखना है, इस्तेमाल करने से पहले इसके लेबल का डायरेक्शन अच्छे से जरूर पढ़ें, इसे कूल प्लेस में, ड्राई प्लेस में और डायरेक्ट सनलाइट से दूर रखना चाहिए, साथ ही साथ डॉक्टर के सलाह के बाद ही इसे कंज्यूम करना बेहतर होगा। बात करेंगे इससे साइड इफेक्ट की, तो जैसा कि हमने बताया, हिमालय का जो सेप्टिलिन सिरप होता है कंप्लीटली हर्बल, कंप्लीटली आयुर्वेदिक मेडिसिन होती है, जिसका कोई भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलता, जो कि एक बहुत अच्छी बात होती है किसके कंपैरिजन में, जब हम अंग्रेजी मेडिसिन लेते हैं। सो डियर स्टूडेंट, ये था आपका हिमालया का सेप्टिलिन सिरप। जी हाँ, एक ऐसा कंप्लीटली नेचुरल और हर्बल सिरप जो कि
कि शरीर में इम्यून सिस्टम को बढ़ाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। जो बच्चों में या बड़ों में सर्दी होना, जुकाम होना, बुखार होना, एलर्जी हो जाना और भी ढेर सारे जो कंडीशन होते हैं उसको ठीक करने के लिए, उसको दूर करने के लिए सेप्टिलिन सिरप बहुत ही अच्छा विकल्प माना जाता है। इस सिरप की जानकारी आपको कैसी लगी डियर? अगली मेडिसिन, अगली दवाई, अगला सिरप किसके बारे में बताएं उसे भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। इसी तरीके से हिमालय के और जितने भी प्रोडक्ट, डाबर के प्रोडक्ट, बैद्यनाथ के प्रोडक्ट और जितनी भी अंग्रेजी दवाएं होती हैं सबकी जानकारी चाहिए तो इस प्लेलिस्ट को आप जरूर विजिट कीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच डियर, ऑल द वेरी बेस्ट।